फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम क्या है, नेशनल इनकम तो हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोगों को जानना है कि इनकम है क्या, व्हाट इज इनकम। सो मनी रिसीव स्पेशली ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर वर्क और थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। सो आप अगर कुछ काम करके कुछ पैसा कमाते हो और कहीं पे इन्वेस्ट करके अगर कुछ रिटर्न मिलते हैं, देन दिस इज नोन एज योर इनकम। अगेन अ पर्सन मे ऑल्सो डिराइव फ्रॉम ए पेंशन, अ गवर्नमेंट बेनिफिट और ए गिफ्ट। सो पेंशन जिन लोगों को मिलता है वो भी उन लोगों का इनकम ही। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट सिंस इट्स इन्फ्लुएंस द कोहेशन ऑफ सोसाइटी। HDI also take into account the idea of income as an important phenomenon of development. So income क्या है? अगर हम कुछ काम करके कुछ पैसा हम लोगों को मिल रहा है, then this is our income. और अगर कहीं पे हम लोग investment करके हम लोगों को profit मिल रहा है, this is also our income. So pension जिन लोगों को मिल रहा है वो भी income है, जिन लोगों को government का कुछ benefit मिल रहा है वो भी income है। So income क्या, इस यहाँ पे क्या लिखा है कि income should be equally distributed. Now tell me, आप लोग मुझे बताइए तो इनकम क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? एनी आइडिया क्यों इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? सो अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? There will be a gap between, not only a gap, there will be a huge gap between rich and poor. And जिस कंट्री में रिच और पुअर के बीच एक बहुत बड़ा गैप रहेगा वो कंट्री कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता। Do you all agree with me? ऐसा नहीं होना चाहिए एक कंट्री में कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, वो उन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है 3 वक्त का या तो 2 वक्त का। एंड सम पीपल आर रिच, जिन लोगों को सब कुछ बेनिफिट वगैरह, मतलब सब कुछ एंजॉयमेंट लग्जरी सब कुछ मिल रहा है। सो एक कंट्री में क्या होगा, अगर पुअर ज्यादा रहोगा तो वो कंट्री कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता। सो इस इनकम को HDI ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द आइडिया ऑफ इनकम। तो HDI क्या है? HDI इज ए इंडेक्स नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स बनाते हैं। सो इस इंडेक्स में इंडिया को, मतलब हर कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है। सो उस इंडेक्स को बनाने के लिए वहां पे भी इनकम को इंक्लूड करते हैं। नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम? मैंने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अबाउट इनकम, इट इज एन इनकम। इनकम अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग द आउटपुट ऑफ इनकम। सो नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑफ द होल नेशन। इनकम आपका इनकम, मेरा इनकम, दीज आर इंडिविजुअल इनकम। बट इफ वी कैलकुलेट इनकम ऑफ होल इंडिया, पूरे इंडिया का इनकम अगर कैलकुलेट करना है, देन दिस इज नोन एज योर नेशनल इनकम। एंड दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प्स इन समराइजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। सो हम क्या करते हैं, हम एक आदमी को कैसे, उसका मतलब उसको कैसे, हम क्या बोलते हैं, उसको जांच कैसे करते हैं। सपोज हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर। हम कमेंट करते हैं ना कि ये आदमी रिच है, ये आदमी पुअर है। तो कौन से बेसिस पे हम कमेंट करते हैं? ओनली बेसिस ऑफ इनकम। सो नेशनल इनकम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कंट्री, एक कंट्री का परफॉर्मेंस नेशनल इनकम से ही पता चलता है। इनकम को हम मतलब इंडिया कैलकुलेट करते हैं टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में दो दो चीज मेनली देखते हैं। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन। GDP इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the boundary of a nation during 1 year period. So GDP kya hai? GDP is the value of all final goods and services. So India mein jitne bhi cheeze bante hain, industry mein jitne bhi cheeze bante hain ya jitne bhi services provide hota hai, banking service, insurance service,
ब्यूटी पार्लर सर्विस, होम क्लीनिंग सर्विस, जितना भी सर्विसेस होता है, सभी सर्विसेस का एंड सभी प्रोडक्ट्स का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देखिए आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड है डोमेस्टिक। सो जीडीपी कैलकुलेशन करने के समय किस किस चीजों का प्राइस लिया जाता है, मतलब किस किस चीजों का वैल्यू लिया जाता है, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कुछ हो रहा है उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा। जो भी चीज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होगा एक साल में, वो चाहे गुड्स हो या तो सर्विसेस हो, उसका वैल्यू लिया जाएगा। सी जीडीपी इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। सो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्वांटिटी को देखते हैं, एक कंट्री में एक साल में कितना सामान बनाया गया उसका मॉनेटरी वैल्यू लिया जाता है, कितना सर्विसेस लिया गया उसका मॉनेटरी वैल्यू लिया जाता है। सो व्हाई इट इज यूज, इट इज यूज टू मेजर इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। कंट्री का जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी से पता चलता है इस कंट्री का स्ट्रेंथ कितना है। नाउ कम टू दिस टेबल, ये अभी चेंज हुआ है, ओके okay? मैम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन. आई हैव वन क्वेश्चन. लाइक एज यू सेड हाउ मच इनकम ए कंट्री और नेशन गिवन दैट विल कैलकुलेट द जीडीपी, राइट? दैट इज द जीडीपी काउंट. यस सो लेट्स एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी व्हिच बिलोंग्स टू द इंडियन इंडियन कंपनी, देयर दैट इज प्लेस्ड इन अदर कंट्री, राइट? व्हाट एवर द इनकम इज विल बी फॉर्म बेस्ड ऑन दैट. सो दैट विल काउंट इन इंडियन इकोनॉमी और इट विल काउंट इन अदर कंट्रीज इकोनॉमी, वाइस एंड वाइस वर्सा, हाउ इट इज? यस दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। अगर एक इंडियन कंपनी बाहर का, बाहर में एक उन लोगों का ब्रांच है, तो अगर एक इंडियन कंपनी कुछ सामान बना रहा है बट नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। बिकॉज द टर्म हियर इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इट शुड बी विद इन इंडिया। अगर इंडियन कंपनी अगर इंडियन बाहर बोल का, सकता है, बट वो सपोज बांग्लादेश में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एक ऑफिस है इंडिया में, यहाँ पे भी काम चलते हैं एंड बांग्लादेश में भी काम चलते हैं, उसका एक और ब्रांच वहां पे है। सो ब्रांच बांग्लादेश में जो उसका प्लांट होगा जहाँ पे वो जो सामान बनाएगा वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। इंडिया में जितना सामान बनाते हैं या तो जितना सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका वैल्यू ही जीडीपी में इंक्लूड होगा। दूसरे सर्विसेज कंट्री इंडस्ट्री में इन करने से दैट, भी वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब वहां पर अगर कुछ प्रोडक्ट बनाए और यहाँ पर बेचे, लेट्स हाँ एग्जांपल, तो वो मतलब इंडिया में काउंट होगा, मतलब इंडिया का जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं? सामान अगर वो लोग जैसे यहाँ पे एक कंपनी बना, है. नहीं सामान अगर वो लोग बंगला सपोज बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट अगर वो सामान इंडिया में बेच रहा है तब जीडीपी में ओके इंक्लूड होगा। जीडीपी में ओके इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। अब थोड़ा वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई विल गिव यू द डिफरेंस। सो यू सी जीडीपी इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नाउ डू यू वांट नो व्हाट इज इंडिया, ये अभी चेंज हुआ है, ओके 2022 में ये चेंज हो गया है, ये 2021 का फिगर है, ये अभी चेंज हुआ है। सो इस फिगर से मुताबिक इंडिया वाज इन वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पोजीशन। इंडिया वाज इन सेवंथ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एज पर 2021 फिगर। बट डू यू नो व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ इंडिया? करंट पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एनीवन? सो नाउ एस मतलब फ्रॉम 2022 इंडिया इज इन फिफ्थ पोजीशन, इंडिया इज इन फिफ्थ पोजीशन। एंड हु इज इन सिक्स्थ पोजीशन? यूके, यूके इज इन सिक्स्थ पोजीशन। ओके सो आप देखिए, थोड़ा आप लोग अपना नॉलेज लगाएंगे। आप लोगों को तो पता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यू नो द कंट्री, यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री एंड यू नो अबाउट इंडिया। बट अगर जीडीपी में इंडिया फिफ्थ पोजीशन में है एंड यूके इज इन सिक्स्थ पोजीशन, मतलब इंडिया से पीछे है यूके एज पर जीडीपी। सो क्वांटिटेटिवली इंडिया के पीछे यूके हो सकता है, बट माय क्वेश्चन इज, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या क्वालिटी वाइज यूके इंडिया के पीछे है, इंडिया से पीछे है मोमेंट एज पर क्वालिटी? मोमेंट
So if we see the quantitative aspect, then it may be India may be in first position also. अगर इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इंडिया में सर्विसेज का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, then India may come to in first position also. It's a different thing. But if we see the qualitative aspect, the living standard of people, the education level of people, ये सब होता है qualitative aspect. So qualitative aspect में अगर हम यहाँ पे देखें, India is not better than UK. So GDP क्या मेजर करते हैं? GDP मेजर करते हैं एक कंट्री को क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं. Now you see, GDP में क्या क्या इंक्लूड होता है? Only final goods and services. Suppose, ये क्या है? Suppose these are wheats, okay? ये गेहूं का खेती है. Suppose, I'm very bad at drawing, ignore it. ये है wheat. So इससे क्या बनेगा? Suppose ये है आटा या मैदा, flour. इस बनता है suppose biscuits बनते हैं. तो GDP में जब बिस्किट्स का वैल्यू निकाला जाएगा तो सिर्फ बिस्किट्स का ही वैल्यू निकाला जाएगा. इस सपोज बिस्किट का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं कि बिस्किट का वैल्यू सपोज 50 है, तो जीडीपी में ये 50 ही जाएगा फिगर. लेकिन इस बिस्किट्स बनाने में 30 रुपीज का आटा भी है, 15 रुपीज का गेहूं भी है. तो अगर इस 15 रुपीज को भी इंक्लूड करते हैं, इस 30 रुपीज को भी इंक्लूड करते हैं, तो बिस्किट का वैल्यू कितना होगा? 50 + 45, that is 95. तो बिस्किट का वैल्यू कितना बन जाएगा? 95. गेहूं का भी वैल्यू लिया है, आटे का भी वैल्यू लिया है, सो अल्टीमेटली बिस्किट का वैल्यू 95 बन जाएगा. तो जीडीपी क्या करते हैं, तो ये 95 वाला फिगर अगर कंसीडर करेगा, देन इट विल बी ओवरवैल्यूड. तो जीडीपी में कौन सा फिगर लेगा? ओनली द वैल्यू ऑफ द बिस्किट, नॉट दिस टू. ये तो ये इसका वैल्यू नहीं लेगा, ओनली वैल्यू ऑफ द बिस्कुट, दैट इज ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली द वैल्यू एडेड बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू एड होके बिस्किट्स बनाया गया है, so only the value will be calculated. और GDP calculate, एक साल में जब GDP calculate करते हैं, goods and services which are produced in the current period, पिछले साल का सामान का जो value है वो include नहीं होगा. Only इस साल का अगर calculate करते हैं, तो इस साल में जो भी चीज बना हुआ है उसका ही value calculate होगा. Production for own consumption like agriculture, forestry and fishing are included in GDP. Suppose कोई फार्मर सिर्फ अपने घर के लिए फार्मिंग करते हैं, उसका एक फिशरी है जहां पे वो सिर्फ अपना जो फिश चाहिए घर 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 के लिए उतना ही फिश वहां पे वो पालते हैं, तो ये सब भी जीडीपी में इंक्लूड होगा. ये सब भी जीडीपी में इंक्लूड होता है. मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ कमर्शियल ही करने से ही जीडीपी में इंक्लूड होगा. कोई अगर अपने लिए भी कुछ कर रहा है, सपोज उसके पास डकारी है, वो डकारी वो सेल करते हैं, डक्स उसके अंडे सेल करते हैं, मतलब वो कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, तब भी इंक्लूड होगा जीडीपी में. एंड अगर वो अपने घर के कंजम्पशन के लिए करते हैं तो तब भी इंक्लूड होगा. तो जीडीपी में क्या क्या एक्सक्लूड है वो देखिए. इंटरमीडिएट गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए या तो मैदा चाहिए, तो इस मैदा या आटे को इंक्लूड नहीं करेगा. ओनली द बिस्किट्स विल बी, वैल्यू ऑफ बिस्किट्स विल बी टेकन. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अच्छा, सर्विसेज के बारे में मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है आप लोगों. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Can you give me example of an economic activity? Yes, ma'am. Okay. So you see, economic activities and non-economic activities, we have to differentiate. So economic activities, wo sab hai where we pay money. Agar hum dinner ghar pe na karke restaurant pe karte hain, to wahan pe hum kya karenge? Wahan pe hum, we will pay money. After having the dinner, we will pay money. So it is an economic activities. अगर मम्मी बना के देते हैं घर में तो वो है नॉन इकोनॉमिक
एक्टिविटीज। इज इट क्लियर नाउ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यस मैम। सो यू सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितना सारा होता रहता है घर में, हर घर में। सो अगर वो सब भी जीडीपी में इंक्लूड करेगा देन इंडिया विल बी इन फर्स्ट पोजिशन। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांजेक्शन ऑफ सेकेंड हैंड गुड, सेकेंड हैंड गुड्स में अगर कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? सपोज एक 2016 का कार है और उस कार को 2020 में, उस कार का वैल्यू है सपोज 5 लाख, 2020 में उसी कार को किसी ने 3 लाख में बेच दिया। सो 2020 में जब जीडीपी कैलकुलेट करेगा, अगर इस कार का वैल्यू 3 लाख इंक्लूड करेगा तो ये क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा। क्यों डबल काउंटिंग? क्योंकि 2016 में ऑलरेडी इस कार के अगेंस्ट 5 लाख को इंक्लूड किया था। ये कार क्या है, 2016 का मैन्युफैक्चरिंग है, 20 का नहीं। सो 20 का ये कार क्या हुआ, 20 में ये सेकेंड हैंड कार हुआ। अगर 2016 का मैन्युफैक्चरिंग वाला कार फर्स्ट, मतलब ब्रांडेड कार अगर 20 में सेल होता तो ये इंक्लूड होता, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 2016 में, इसका सेल ऑलरेडी हो गया 2016 में, अभी 2020 में ये सेकेंड बार सेल हो रहा है। सो सेकेंड हैंड गुड का ट्रांजेक्शन ये, क्योंकि एक बार ऑलरेडी सेम कार ना 2016 में ही प्रोड्यूस हुआ है, ये नए वो पुराना चीज है तो उसको दोबारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो ट्रांजेक्शन ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। इज इट क्लियर? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। पेंशन, लोगों को जो पेंशन मिलता है उस पेंशन के बदले में वो लोग कुछ भी सर्विसेस नहीं देते, वो लोग रिटायर हो चुके हैं और तभी उन लोगों को पेंशन मिलते हैं तो सर्विसेस नहीं देते हैं वो लोग। तो इसीलिए पेंशन का जो अमाउंट है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो लोगों को, अनएम्प्लॉयड पर्सन को मिलते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। इल्लीगल ट्रांजेक्शन सच एज नार्कोटिक्स एंड गैम्बलिंग, रोजाना गैम्बलिंग वगैरह में कितना पैसा आता जाता रहता है, अगर उन सब चीजों को अगर जीडीपी में इंक्लूड करेगा तो जीडीपी का जो फिगर होगा ये बहुत बड़ा फिगर होगा, लेकिन असल में कंट्री इतना ग्रो नहीं कर रहा, ये सब गैम्बलिंग वगैरह के वजह से हो रहा है। सो इसीलिए इल्लीगल ट्रांजेक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। ट्रांसफर पेमेंट्स बोला थोड़ा। सो ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब किस किस चीजों को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सो इन सब चीजों को ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट को ये सब दे के कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट को ये सब देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रहा है किसी को तो उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, उस आदमी का सर्विस मिल रहा है, उस आदमी का सर्विस मिल रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन जब पेंशन देते हैं, पेंशन किन लोगों को मिलता है, जो रिटायर हो चुके होते हैं, सो आफ्टर रिटायरमेंट दे डोंट गो फॉर वर्क, वो ऑफिस नहीं जाते हैं, कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो पेंशन, स्कॉलरशिप देना, बच्चे लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलते हैं उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलते। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट इसलिए देते हैं कि अगर किसी गरीब, मतलब पुअर या तो कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी से अगर कोई है तो उनको एटलीस्ट पढ़ने का, मतलब दे शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, इसलिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस से भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलते हैं, लोगों को देते हैं क्योंकि ताकि वो लोग अपना मतलब गुजारा कर सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो पॉलिसी जब आप लोग पढ़ोगे वहाँ पे एक चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो उन डीपीएसपी वहाँ पे जब आप लोग पढ़ोगे डीपीएसपी, वहाँ पे देखना कि वेलफेयर के बारे में बोला गया है। हर गवर्नमेंट को जब ये गवर्नमेंट चलाना है देन उस गवर्नमेंट को वो डीपीएसपी फॉलो करना होता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सो ये सब काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। सो दीज आर टर्म्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। ये पेंशन जिन लोगों को मिल रहा है, सपोज 2023 का जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है एंड 23 में जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है, वो लोग एक्चुअली 2023 में कुछ काम ही नहीं कर रहा है,
they got retired. Unemployment allowance. Unemployed कौन है? जो लोग काम करते नहीं है, जिन लोगों को काम मिलते नहीं है, सो उन लोगों को गवर्नमेंट अलाउंसेस दे रहा है. सो उन लोगों से कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा. सो 2023 का जीडीपी में ये सब इंक्लूड नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ दो चीज आप लोग याद रखिए कि जीडीपी कैलकुलेशन करने का दो मेथड है. एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड इनकम अप्रोच, दीज आर द टू मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ द कंट्री. सो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी. नाउ सी क्या है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आई इज योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्स इज योर नेट एक्सपेंस. सो इकोनॉमिक्स में जब कोई, जब कभी आप लोगों को ये एक्स दिखेगा, यू ऑलवेज रिमेंबर इट एज एक्सपोर्ट. जब एम दिखेगा देन इट इज योर इम्पोर्ट. आज पहले बार क्लास करने से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बहुत टफ है, बट धीरे धीरे से ये सब आप लोगों को इजी लगेगा. आप लोगों को अगर समझ में नहीं आते हैं देन यू जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल रिपीट अगेन. सो ये इतना कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं. नाउ कम टू डी. हम लोगों का दो चीज होता है, मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या चीज होता है, एक है जीडीपी, एक है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो ये जब जीडीपी होता है, ये जो डी है, ये क्या, व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? Domestic. Yes. So D stands for domestic. Domestic means, यहाँ पे domestic मतलब क्या है? Within India. India. Now what does N stands for? National. National. So national and domestic में difference. So GNP में क्या होता है? ये सब क्या लिखा है आप लोग पढ़ लेना बाद में. But let me explain in easy way. GNP में एक चीज इंक्लूड होता है, वो है जो बाहर से इनकम आते हैं इंडिया में. सपोज कोई इंडियंस अमेरिका में रह रहा है और वो लोग अमेरिका से कोई पैसा इंडिया में भेज रहा है, वो पैसा कहाँ जाएगा? उन लोगों को, सपोज उन लोगों का जो इनकम है, उन लोगों ने इनकम कहाँ पे क्या है? फॉरेन कंट्री में क्या है? अमेरिका इज अ फॉरेन कंट्री. सो वो लोग इनकम कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन वो कहाँ पे इंक्लूड होगा? उन लोगों का इनकम कहाँ पे इंक्लूड होगा? उस कंट्री का जीएनपी में, जीडीपी में इंक्लूड होगा या हम लोगों का जीएनपी में इंक्लूड होगा? हम लोगों का. यस. सो अगर इंडियंस आर अर्निंग इन फॉरेन कंट्री, देयर इनकम इज, इट विल कम अंडर योर gross national product because those income are earned by a Indian citizen, a Indian national. वो चाहे चाइना में इनकम क्यों ना करे, अमेरिका में कि लंदन, कहीं पे भी, यूरोप, फ्रांस, कहीं पे भी वो इनकम कर सकते हैं, बट वो पैसा जो वो लोग इनकम कर रहे हैं इंडिया में भेज रहा है, इट विल बी कैलकुलेटेड इन योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीडीपी में जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि अगर एक इंडिया के कंपनी बाहर में प्लांट लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो रहा है, तो वो कहाँ पे होगा? सो वो आएगा जीएनपी में, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. चाहे वो चीज, वो बांग्लादेश, सपोज एक इंडिया का कंपनी है जिसका एक प्रोडक्शन यूनिट है बांग्लादेश में, तो वो लोग क्या कर रहा है? बांग्लादेश में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं पे सेल कर रहा है. तो सेल का जो पैसा है वो अगर इंडिया में आ रहा है देन it will come under your gross national product, not your gross domestic product. क्योंकि domestic product का मतलब है production should be within India. जितना भी चीज बनाया गया हो या जितना भी services दे रहा हो, everything should be within India in your GDP.
एंड जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी इज योर इंडियन सिटीजन अर्निंग एनी वेयर इन द ग्लोब एंड सेंडिंग मनी टू इंडिया, ये सब कहाँ पे आएगा, जीएनपी में आएगा। इज द डिफरेंस क्लियर नाउ? देन देयर इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो जीडीपी का जो फिगर है उसके साथ अगर हम बाहर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है अर्न बाय इंडियन पीपल उसको ऐड कर देंगे देन इट विल बी नोन एज योर जीएनपी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैम जो यहां पे दिया है जीएनपी इक्वल टू सी क्लॉस आई क्लॉस जी क्लॉस एक्स क्लॉस जेड, ये यू कैन इग्नोर दिस, यू कैन इग्नोर दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, ये कंफ्यूजिंग है। ओके, GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. So, जो बाहर से आ रहा है, कुछ अगर आ रहा है इंडिया में, उसको include GDP के साथ include कर देने से हम लोगों को क्या मिलेगा? We will get the gross national product. Now go to this definition. Gross national product or GNP is a measure of total value of all finished goods and services that is produced by the citizens of a country. Irrespective of their geographic location, Indian citizens कुछ produce कर रहा है कहीं पे भी। तो मैंने जो बोला था कि बांग्लादेश में अगर plant है तो उसका जो value होगा, उस plant का production जो जो वो बनाते हैं उसका जो value होगा वो कहाँ पे आएगा, GNP में आएगा, वो GDP में नहीं होगा। It signifies how much, the citizens of a country, how much the citizens of a country are contributing to the economy. It does not include income earned by foreign nationals within the country. Okay, ek aur baat. Koi agar foreigner India mein kuch kaam kar raha hai and yahan pe wo earn kar raha hai, this is not included in GNP or GDP. Are you getting my point? Suppose ek America ka citizen India mein kaam kar raha hai and wo यहाँ पे पैसा कमा रहा है, इट विल बी नॉट कैलकुलेटेड इन एनी जीडीपी और जीएनपी बिकॉज ये इंडियन सिटीजन का अर्निंग नहीं है, इट इज अ अर्निंग ऑफ फॉरेन सिटीजन। कंफ्यूजन है ना, थोड़ा आप लोगों को अभी टफ लगने लगा होगा, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। डेफिनेटली ये चैप्टर थोड़ा टफ नहीं है बट ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, तो ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर को। एंड हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज करवाएंगे आप लोगों को, एमसीक्यूज करते करते ये सब आप लोगों को इजी लगने लगेगा। सो जीएनपी इज, जस्ट इतना याद रखिए, जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो नाउ एक क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और आई वुड मैं भी पूछना चाहूंगी आप लोगों को। नाउ टेल मी, आई एम गिविंग हियर एक सेंटेंस में दे रही हूं, आप लोग मुझे बताइए ये सेंटेंस गलत है या सही। बताइए मुझे ये सेंटेंस गलत है या सही। सही होना जरूरी है, लेकिन ये गलत है। अभी मैं बताऊंगी ये गलत क्यों। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, यस यूनिवर्सली ये सही है, बट ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री ये डिफर करते हैं। यू सी इंडिया में होता क्या है, इंडिया में बाहर से जितना पैसा आते हैं उससे ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर जाता है। सो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दिस इज द फॉर्मूला। बट इंडिया, फॉर इंडिया
जीडीपी प्लस ये क्या होता है, ये निगेटिव फिगर होता है, कभी कभी माइनस होता है। निगेटिव फिगर मतलब यहाँ पे मैंने एक माइनस का सिंबल दिया है। सो ये क्यों निगेटिव होता है, ये इसलिए निगेटिव होता है कि कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, जितना पैसा बाहर से आते हैं टू इंडिया, उससे ज्यादा पैसा इंडिया को देना पड़ता है टू द फॉरेन कंट्री, उससे ज्यादा पैसा इंडिया से निकल जाते हैं। इंडिया ने बहुत सारे लोन्स लेके रखा है बाहर बाहर के कंट्रीज से, सो उन लोन को वापस करना होता है, लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है। सो ज्यादा पैसा, इंडिया बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम है इंडिया का, इंपोर्ट ज्यादा है, सो पैसा निकल जाता है। सो अगर सपोज इंडिया से, इंडिया में आ रहा है 100 रुपीज एंड इंडिया से जा रहा है 200 रुपीज, तो अल्टीमेटली क्या होगा, -100। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस मैम। तो अगर इंडिया से ज्यादा पैसा जा रहा है एंड इंडिया में कम पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये निगेटिव फिगर होगा। अगर ये निगेटिव फिगर होता है तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्लस माइनस इज माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो इसको अगर हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, सपोज द क्वेश्चन इज जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, सपोज 100 है एंड नेट फैक्टर सपोज 70, ओके 70 है नेट फैक्टर, मतलब इनकम इज माइनस 70, निगेटिव फिगर। सो प्लस माइनस ये है जीडीपी, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हम लोगों का क्या इक्वेशन बन जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, जेंट इज 70, 100 माइनस 70 इज 30। सो अभी जीएनपी फिगर कितना मिल रहा है हम लोगों को, 30 मिल रहा है, एंड जीडीपी का फिगर कितना है, 100। सो मैंने जो स्टेटमेंट बताया था कि जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, स्टेटमेंट गलत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। सो अगर ये फिगर पॉजिटिव होता है देन द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। अगर ये फिगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, तो 170 होगा। सो जीडीपी है 100, जीएनपी 170, देन द स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्या होता है, ये फिगर निगेटिव में होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, समटाइम्स ये फिगर निगेटिव में होता है। अगर इंडिया को बहुत सारा इंपोर्ट का बिल देना होता है, अगर इंडिया को लोन वापस करना होता है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को, इंडिया का ये फिगर निगेटिव होता है। सो जब भी निगेटिव होता है देन जीएनपी इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होना चाहिए। बट स्टेटमेंट आते हैं प्रीलिम्स में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड वहां पे एक स्टेटमेंट दिया होता है कि जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। सो वो स्टेटमेंट हम लोग एग्जाम में क्या कहेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन करेक्ट ही बोलेंगे, बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। आई होप यू अंडरस्टूड। सो जीएनपी हो गया, ये है देखिए, जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज फॉर इंडिया इज अ निगेटिव फिगर। सो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या क्या होता है, प्राइवेट रेमिटेंसेस, सपोज इंडियन पर्सन अमेरिका में इनकम कर रहा है एंड इंडिया में पैसा भेज रहा है, सो ये क्या होगा, तब ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई दूसरा कंट्री इंडिया को कुछ पैसा दे रहा है ग्रांट्स के हिसाब से, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो इंडिया अगर लोन्स पे कर रहे हैं, लोन्स के इंटरेस्ट पे कर रहा है, देन इट विल बी अ नेगेटिव फिगर। सो इंडिया में जनरली होता क्या है, ये नंबर वन और नंबर टू का जो फिगर होता है उससे ज्यादा फिगर होता है, नंबर वन और नंबर थ्री का जो फिगर होता है उसको प्लस करके भी ये ज्यादा बड़ा होता है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे लोन लेके रखा है, इसीलिए फॉर इंडिया ये निगेटिव ही होता है। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज ऑफ जीएनपी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने दिया है। यूज नथिंग इज स्टडी द इकोनॉमिक माइट ऑफ द कंट्री, जीएनपी क्यों यूज किया जाता है, टू स्टडी अबाउट द कंट्री, इकोनॉमिकली कंट्री कैसा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोगों ने जीडीपी डिस्कस किया,
अभी हम डिस्कस करेंगे एनडीपी, दैट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो फॉर्मूला देखिए, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डू एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Yes, value of goods decreases. तो आप लोगों में से किसी के पास कार या बाइक है? कार, बाइक, स्कूटी, किसी के पास भी नहीं है? आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है अपना बाइक या स्कूटी को? तो हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम सेम रहता है, एंड हर साल जो गाड़ी का, जो भी गाड़ी है आप लोगों के पास, क्या उसका वैल्यू सेम रहता है? व्हाई नो, क्यों नहीं रहता है? आपका जो स्कूटी है, सपोज आपने स्कूटी खरीदा था 2022 में, सपोज वैल्यू था 75,000, तो उस समय आपने इंश्योरेंस किया होगा 75,000 के ऊपर। 2023 में इस गाड़ी का वैल्यू 60,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2023 में आप जब इंश्योरेंस करोगे तो आपको प्रीमियम 60,000 के ऊपर देना है। क्यों, वैल्यू क्यों कम हो जाता है? पुराना हो गया इसलिए। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन इकोनॉमिक्स। डेप्रिसिएशन बोलते हैं वेयर एंड टियर, यूज होने की वजह से कहीं पे वो टूट सकता है, कहीं पे वो वेयर हो सकता है। वेयर मतलब हम क्या कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, उसका मतलब यूज होना, ज्यादा यूज होना। सो वेयर एंड टियर के हिसाब से किसी भी चीज का क्या फिगर निकाला जाता है? डेप्रिसिएशन। सो एक मशीन, एक मशीन का जो प्राइस होता है एक साल के बाद उसका प्राइस डिक्रीज हो, सॉरी वैल्यू जो, यस, जो मशीन का वैल्यू है उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो मशीन ने पूरा साल काम किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी हुआ मशीन, तो इसलिए मशीन का वैल्यू गिर जाता है नेक्स्ट ईयर। सो जब जीडीपी के फिगर में से आप डेप्रिसिएशन के वैल्यू को माइनस करोगे तब आप लोगों को मिलेगा एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये डेप्रिसिएशन का फिगर कितना है वो डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट करना पड़ेगा, इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर साल गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बोल देता है। सो जीडीपी में से सपोज जीडीपी इज सपोज 700 एंड डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 10% करने से कितना होता है 70, दैट इज 630 विल बी योर एनडीपी। एनडीपी कितना होगा? 630। अभी थर्ड नंबर स्टेटमेंट में देखिए, एनडीपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, इज इट करेक्ट? एनडीपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, इज इट करेक्ट? क्योंकि जो भी चीज नेट होता है वो ग्रॉस से कम ही होता है। हम लोग अगर हम लोगों का सैलरी भी देखते हैं, अगर ग्रॉस सैलरी है 30,000 तो उनमें से जो हम लोगों के अकाउंट में जो पैसा मिलते हैं सपोज 27,000, दिस इज नोन एज योर नेट सैलरी। टैक्स वगैरह कट के, कोई भी एनपीएस ये सब कट के पैसा कितना मिलता है अल्टीमेटली? 27,000 ही अकाउंट में मिलते हैं, एंड जो अकाउंट में मिलते हैं उसको कहते हैं नेट। And always remember, net is always lower than gross. So NDP is always lower than GDP. And NDP is not used into comparison across the world due to different rates of depreciation. Countries को जब compare करते हैं, मैंने एक table दिखाया था आप लोगों को, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि India is in fifth position. So countries को compare करने में हमेशा GDP को ही लेते हैं, एनडीपी को नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या मैंने कहा है ये जो डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन का है, इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना होगा। सपोज लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, सपोज यूएसए व्हिच इज इन टॉप पोजीशन, उसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 5%, इंडिया का है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 2%, सपोज। तो
suppose GDP of USA is 10 and GDP of India is also 10. तो इन अभी मुझे बताइए तो NDP कितना होगा USA और India का NDP बताइए. मैम यूएसए का होगा 5% और इंडिया का होगा 8%. तो एनडीपी यूएस का कितना मिला हम लोगों को 5% एंड सॉरी नॉट परसेंट यहां पे परसेंट नहीं आएगा एंड एनडीपी इंडिया इज योर 8. सो अभी अगर एनडीपी से हम रैंकिंग करते हैं देन हु विल बी इन टॉप पोजीशन इंडिया विल बी टॉप पोजीशन. यस सर. क्यों ये क्यों हुआ ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन रेट. सो इसीलिए कंट्रीज को एनडीपी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. क्लियर. नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन. मैम आई थिंक 1 and 3. ओके सो आई वांट आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. तभी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे और बहुत कुछ है पढ़ना फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट. तो वो सब प्रोसीड करने से पहले क्लियर होना जरूरी है कि जीडीपी क्या है एनडीपी क्या है जीएनपी क्या है एनएनपी क्या है. सो प्लीज ट्राई टू आंसर. कुछ नहीं होगा गलत हो सकता है नो प्रॉब्लम. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू. मैम जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनडीपी. यही जीत गया. You see, in this question, statement 1 and 3 is correct. So, statement 1 is GDP is the value of goods and services produced in a country in a particular year. So, this is a correct. And GDP is greater than GNP, jo 2 hai. Ye maine kaha hai ki kabhi kabhi. It is not always. Okay. Agar yahan pe, matlab, suppose this is a statement ki GDP is greater than GNP. It implies ki it's a general statement. Matlab har time, always. Maine always nahi likha hai. So it implies ki GDP is always greater than GNP. But ye kab, agar GNP net factor income from abroad ka jo figure hai, agar wo positive figure hoga, then GNP will be greater than GDP. So this statement is wrong. And GDP is always greater than NDP because maine kaha hai ki gross se net hamesha less hi hota hai. So this is a correct. Correct. So we got A as your correct option. By adjusting it for number one, net indirect taxes, number two, depreciation. Number three, inflation. Number four, tell me the answer. Then option four. Option four. So, GNP is obtained from GDP by adjusting it for indirect tax, depreciation, inflation, and net factor income from abroad. So, यहाँ पे दो चीज़ है, GNP and GDP. So, इसका जो connection है किससे है? Net factor income from abroad. So, option four is the correct answer here. Now, another thing you should note it down. ये जो GDP हम discuss कर रहे हैं. Now, who calculates this GDP? कौन कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने कहा है इसको कैलकुलेट करते हैं. नाउ हु कैलकुलेट्स जीडीपी एनी आइडिया. नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. तो जीडीपी कैलकुलेशन का काम किसका है
नेशनल स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी कहते हैं और NSO भी कहते हैं, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस भी कहते हैं। यू शुड नोट इट डाउन। हम लोगों ने जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिस्कस किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्कस किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट डिस्कस किया। नेट नेशनल प्रोडक्ट भी सेम एनडीपी का जो फॉर्मूला है वही है, यहाँ पे सिर्फ जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अभी डिस्कस करना है पार कैपिटा इनकम जो है इसका फॉर्मूला देखिए, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दिस इज योर पार कैपिटा इनकम। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हर व्यक्ति का इनकम निकल आएगा, दिस इज व्हाट नोन एज योर पार कैपिटा इनकम। इज इट क्लियर? यस मैम। सो इसको और एक नाम भी हम दे सकते हैं, एवरेज इनकम। डू यू ऑल एग्री? एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। और एक चीज है डिस्पोजेबल इनकम। सो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम व्हिच वी कैन स्पेंड, जो हम खर्च कर सकते हैं। हम लोगों का इनकम, सपोज माय इनकम इज 30,000, सपोज। सो आउट ऑफ 30,000 माय नेट इनकम इज सपोज 27,000, एंड आउट ऑफ दिस 27,000 सपोज 2,000 मुझे टैक्स पे करना है, सो माय डिस्पोजेबल इनकम विल बी 25,000। मतलब जो मैं अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए या तो अपने लिए खर्च जो करूंगी वही होगा डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट है, बट जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड from the GNP, the net value is known as GDP, NNP, NDP, none. क्या होगा आंसर? NNP. B, option B. Yes, option B is your answer. NNP. Depreciation जब GNP से minus किया जाता है, then we get NNP. जी मैम। Yes. मैम वो थोड़ा disposal income को थोड़ा revise कर दीजिए, समझ में। So आप लोगों ने तो ये disposable word का meaning समझा? Disposable मतलब जो हम use कर सकते हैं, हम जो disposable plates या disposable बाउल्स ये सब यूज करते हैं ना, यूज करके फेंक देते हैं। सो डिस्पोजेबल मीन्स व्हिच यू कैन यूज। सो आपका सपोज इनकम है 27,000, मतलब नेट इनकम इज 27,000, एंड उस 27,000 से सपोज आपका ईएमआई बनता है 5,000, आपका आपने गाड़ी लिया है, गाड़ी का ईएमआई देना है 5,000 रुपीज। सो उस 27,000 से आपको 5,000 अलग से पे करना होगा। 5,000 पे करने के बाद आपके पास बचता कितना है? 22,000. So these 22,000 is your disposable income. मतलब आप वही पैसा आप खर्च कर सकते हो। आप कुछ खरीद के खर्च करो या अपने फैमिली के लिए खर्च करो, कहीं पे भी करो, अपने मन मर्जी से आप खर्च कर पाओगे। जितना इनकम आप अपने मर्जी से खर्च कर पाओगे वही है डिस्पोजेबल इनकम। मतलब कि मैम 22,000 जो बचा है वो होगा डिस्पोजेबल इनकम। यस यस।
मतलब जो आप लोग आपका लाइबिलिटीज है वो सब तो आपको पे करना ही है, उसको पे करने के बाद जो बच जाते हैं आपके पास वही आपका डिस्पोजेबल इनकम है। सो सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड किया है जो हाउसवाइफ्स, मतलब मम्मी, मे बी नॉट ओनली हाउसवाइफ, वो शी कैन बी अ सर्विस होल्डर आल्सो, बट घर में वो जब खाना बनाते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा।